Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये इलाका जो समरकंद का है ये सबसे समृद्ध है, लेकिन उन्होंने फिर कहानी सुनी विजयनगर की। विजयनगर के लिए को देखने के लिए उन्होंने अपने दूत को भेजा जिनका नाम अब्दुर्रजाक था। तो जब अब्दुर्रजाक विजयनगर एम्पायर में आते हैं, और ये शाहरुख सुपुत्र है अच्छा तैमूर के, जब उन्होंने भेजा तो वो यहाँ की समृद्धि देख करके दंग रह गए। वो ये रिपोर्ट बैक कर रहे हैं कि जो हमारे सबसे बड़े बाज़ार हैं उससे बड़े साइज़ का तो वहाँ के राजा का पैलेस है। वहाँ पे सड़कों पे रत्न ऐसे बिकते हैं कि मतलब एस्टॉनिशमेंट था उनके नज़र में। तो ये आपको उस ये नैरेटिव पे ले जाता है कि जो ये बोलते हैं कि उस समय भी समरकंद की जो समृद्धि थी वो कई लोग ये बोलते हैं बाबर जो समृद्धि था वो वहाँ की समृद्धि को लेकर के यहाँ पे आ रहा था, और बिकॉज उनको एक समृद्ध राज्य बनाने का एक तरीका मालूम होता था तो इस वजह से बाबर भी वो कर पाया था। लेकिन उनके एंसेस्टर ने भी विजयनगर को आकर के समझने की कोशिश किया कि समृद्ध जगह क्या होती है। तो हम लोग तैमूर की बात कर रहे थे। तो तिमूरीड एम्पायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और सारे तिमूरीड प्रिंस जो थे तिमूरीड क्लैन से वो सारे के सारे मारे गए थे। सिर्फ एक बचा था, वो था बाबर और उसके छोटे कज़न्स वगैरह। तो इसीलिए सब ने मिल करके बाबर को बादशाह डिक्लेयर कर दिया कि आप तिमूरीड बादशाह हैं। ये काबुल में हुआ था, तो इस वजह से काबुल से बहुत सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था बाबर का, और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं अगर दफनाया जाऊंगा तो काबुल में ही दफनाया जाऊंगा। और इसीलिए उसने अपने एम्पायर का नाम तिमूरीड गुरखानिया रखा, मुग़ल एम्पायर नहीं रखा था। और बाबरनामा में आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि मुग़लों के लिए काफ़ी अपशब्द कहे गए हैं। ये बोलते हैं कि जहाँ पे भी मुग़ल रेस जाता है वहाँ उपद्रव मचाता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो मुग़ल्स वो लोग हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, तो उनको मुग़ल कहना विल बी। मुग़ल कौन है? मुग़ल चंगेज़ खान के लीनियज वाले हैं, जो मंगोल है, जो कि कभी आफ्टर जो फॉल ऑफ जो हेगलू खान का जो फॉल हुआ है उसके बाद से मंगोल कभी उबर नहीं पाए उस तरह से। ये बहुत हद तक इस्लामिक बन गया, और उनका एक कॉमन एनिमी था, बहुत बड़ा एनिमी, उसका नाम था शैबानी खान, जिसका जिक्र कई बार आता है। तो ये जो शैबानी खान था वो बाबर के चाचा के सर्विस में हुआ करता था, बाबर के मामा के सर्विस में हुआ करता था, मामा या चाचा किसी एक के सर्विस में। और वहाँ से एक बैटल होता है, उसमें वो डिफेक्ट कर जाता है, और वो हमेशा से फिर मंगोल और तैमूरिया नस्ल का एनिमी हो जाता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड। और बाबर पूरी ज़िंदगी शैबानी खान से डर डर करके बिताता है, और उसका एक रीज़न क्यों वो काबुल से भारत आना चाहता है, ऑफकोर्स एक वो पर्पस तो तैमूर का पर्पस पूरा इंटेंशन पूरा करना है, लेकिन उसको ये पता चला है कि शैबानी खान काबुल पे भी आक्रमण करना चाहता है, तो इसीलिए वो खुद को बचा करके भारत की ओर भागने की कोशिश करता है कि शैबानी खान के रेड से बचना है हमको। शैबानी खान वॉज अ बिग एनिमी। तो ये जो शैबानी खान वाला जो आपने पूरा बताया कि उससे डर के बाबर जो है वो हिंदुस्तान की तरफ भागने की कोशिश करता है। और एक तो उसका मंसूबा था ही कि क्योंकि तैमूर ने अम्पायर इस्टेब्लिश पूरी तरह से नहीं कर पाया था, तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, उसको भी पूरा करना था। बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें से एक जो फिज़िकल या फिर बहुत रैशनल फैक्टर जो नज़र आता है वो शैबानी खान का डर था। लेकिन ये सब कुछ 1509 के पहले हो रहा है, क्योंकि 1509 में शैबानी खान की मृत्यु हो जाती है, ही इज़ गॉन। लेकिन उससे पहले तक बाबर अटेम्प्ट कर रहा है भारत में आने के लिए। आप ये सोचिए 1504-05 के आसपास से कहानी शुरू होती है उसके भारत में आने की कोशिश की, और वो फाइनली भारत में आता है 1526, जब बैटल ऑफ पानीपत में वो विजयी हो जाता है। और दैट फाइनली सेट्स वो जो एम्पायर का जो इस्टेब्लिश हुआ था वो उस वक्त होता है। तो ऑलमोस्ट इट टुक 18 से 19 साल टू गेट इनटू हिंदुस्तान। इट वाज नॉट अ इजी पाथ फॉर बाबर। और एक बार बाबर जब हिंदुस्तान आ जाता है तो उसके बारे में तो खैर सिक्वेल में चर्चा होगी, लेकिन कुछ डेटा जो मैंने पुस्तक में डालने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छे से ये डिटेल बताता है कि कितना धन वो लेकर के जाता था, कितना सोना चांदी, और जाकर उजबेकिस्तान समरकंद में अपने अमीरों को, अमीर मतलब एक डेजिग्नेशन है, अमीर को वो पैसे धन दौलत दिया करता था। और इसका पूरा ब्यौरा बाबर ने बाबरनामा में क्लियरली लिखा है। तो ये जो नैरेटिव है कि बाबर आया और हिंदुस्तान का होके रह गया या उसने कुछ लूटपाट नहीं मचाई, तो उसके दो आंसर आया करते थे पहले कि पहला कि बाबर के पास जाने के लिए कोई घर नहीं था, क्योंकि वो तो ही वॉज अ लॉस्ट प्रिंस, और उसको इनफैक्ट बुक के किताब के भी नाम बाबर द चेसपोर्ट किंग इसीलिए रखी गई है। कई लोगों को लगता है कि शायद द चेसपोर्ट किंग इज़ अ वेरी पावरफुल टाइटल या फिर मतलब फॉर द किंग, लेकिन जो शतरंज का खेल खेलते हैं उनको पता होगा कि जो राजा होता है उसके पावर ज़्यादा नहीं होती है, वो एक घर यहाँ एक घर वहाँ यही कर सकता है, लेकिन अगर राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर आपने उसको चेकमेट कर दिया तो गेम ओवर हो जाता है। और बाबर को चेसबोर्ड किंग का सबसे पहले फरिश्ता ने बुलाया था, और फरिश्ता के हिसाब से वो चेसबोर्ड किंग था। और यहाँ पे वो वापस तो जा नहीं सकता क्योंकि उसके सारे टेरिटरीज़ वगैरह, ही डजेंट हैव अ टेरिटरी। तो काबुल का क्या हुआ? काबुल इज़ देयर बट स्टिल, यहाँ पे वो एक रीज़न जो वो मेंशन करता है बाबर, भारत में सस्ते में लेबर, आर्टिजन्स और लोग बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं मतलब बात मान लेते हैं, डोसाइल है लोग, आप जो उनसे करवाना चाहेंगे वो कर लेंगे। और एक अम्पायर बिल्डिंग के लिए आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो आपके बात को माने और कम से कम रिसोर्स में काम हो सके। तो देख वो फिर ये बताता है कि यहाँ पे सोने चांदी की नदियाँ बहती है, मतलब बहुत ही अबंडेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अवेलेबल है। तो ऐसे जगह को छोड़ करके वो काबुल, हालांकि काबुल ने उसको सबसे पहला राइज़ दिया, लेकिन वो एक माउंटेनियस किंगडम था, एक पहाड़ियों के बीच में उसने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वो उस तरह का किंगडम नहीं था जो भारत में बन पाया था। और भारत से उसको बहुत कुछ मिला, लेकिन भारत ने उसको कुछ नहीं दिया, भारत को उसने कुछ भी नहीं दिया। जैसा बोलते हैं कि उसके समय से ही आर्किटेक्चर की शुरुआत हो चुकी थी, वो आर्किटेक्चर एक्चुअली समरकंद से ले कर के आया था, लेकिन बाबर के बाबरनामा में ही हम अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि जो समरकंद का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि ताज महल से भी छोटा है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी भारत से आर्टिजन्स बुलाए गए थे, और वो स्ट्रक्चर है तैमूर का मसोलियम। सो अमीर तैमूर के मसोलियम का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो कारीगर लाए गए थे वो भी भारत से लाए गए थे। तो उनका जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है, जो कि ताजमहल से भी छोटा है, उसके लिए भी उनको भारतीय लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, और ये बाबर खुद बता रहा है। तो भारत का जो रिसोर्स था ये उसको बहुत भार रहा था, और यहाँ के लोगों के बिहेवियर वगैरह के वजह से वो बाबर पूरी तरह से कन्विंस था कि मुझे भारत में रहना है, नॉट फॉर भारत वो वैसा कुछ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसको किंगडम बिल्डिंग के लिए रिसोर्स आसानी से मिल पा रहे हैं।